बिना गांजे के नवाब मलिक की नींद नहीं खुलती और दिन में आप किसी से भी पूछेंगे उनके प्रिय मित्र या उनके करीबियों से, नवाब मलिक रोज गांजा पीते हैं। गांजा ना मिलने से आदमी जो एक लत लगती है जिससे उनके सिम्टम्स निकले और उनको घबराहट होने लगी और वो हॉस्पिटल पहुंच गए। नमस्कार दोस्तों, मियां नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ी, हम झुकेंगे नहीं लेकिन हम पिटेंगे जरूर, और बहाना मार के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। कोई बोलता है कि नवाब मलिक के यूरिन से खून निकल रहा है, बहुत घबराया हुआ है और हाइपरटेंशन और एकदम डरा हुआ है, लेकिन मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूं। नवाब मलिक अरेस्ट होने के एक दिन पहले बलिया से मुंबई आए और सुबह सुबह अपने घर पे थे जब ईडी उनको लेके गई। उस दिन से लेकर हॉस्पिटल जाने तक मैं पहले भी बोलते आया हूं, नवाब मलिक हर्बल टबैको और वनस्पति का इस्तेमाल करते हैं रोज। बिना गांजे के नवाब मलिक की नींद नहीं खुलती और दिन में आप किसी से भी पूछेंगे उनके प्रिय मित्र या उनके करीबियों से, नवाब मलिक रोज गांजा पीते हैं। गांजा ना मिलने से आदमी जो एक लत लगती है जिससे उनके सिम्टम्स निकले और उनको घबराहट होने लगी और वो हॉस्पिटल पहुंच गए। मेरा ये दरख्वास्त रहेगी जेजे हॉस्पिटल से और अधिकारियों से, सेंट्रल एजेंसीज के, कि ड्रग टेस्ट नवाब मलिक का होना चाहिए और पब्लिकली जाहिर होना चाहिए कि नवाब मलिक ये जो ड्रग पेडलर्स का और ड्रग माफियाओं का प्रवक्ता बन के देश में सामने आया था, असली में इसका राज क्या है। नवाब मलिक खुद गर्दुल्ला है। धन्यवाद।